एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लाल मिर्च जो होती है वो ठंड के मौसम में ही आती है, इसलिए मैक्सिमम घरों में जो है लाल मिर्च का भरवा अचार सर्दियों में ही रखा जाता है, जो कि बहुत टेस्टी होता है और उसमें थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। और मैं आज मैं आप लोग के साथ में बहुत ही ईजी और कम समय में बनने वाला अचार की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो वेलकम टू माई चैनल। आज की रेसिपी, तो आज मैं आप लोग के साथ में लाल मिर्च का कुच्चा अचार की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो कुछ दिन पहले मैं अभी मार्केट गई थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्दी जाने वाली है, तो मुझे मार्केट में लाल मिर्च दिखाई दे दी, तो वहाँ से मैंने 2 kg लाल मिर्च ले आई, उसे घर लाकर अच्छे से धुल लिया और धुल कर मैंने उसको धूप में सूखने के लिए रख दिया था। उसमें से जो थोड़ी बहुत स्पॉट वाली थी उनको मैंने अलग कर लिया था, जो समूची थी उनको मैं भरवा ही रखूँगी समूची, और जो कुछ ऐसे टाइप की जो लाल मिर्ची थी उनका मैं जो है कुच्चा अचार रखूँगी, जो कि बहुत ही ईजी है और बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्पॉट वाली मिर्ची थी उसको मैंने बीच से कट कर लिया था, और अंदर आप देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्रेश है, बस ऊपर की लेयर में ही स्पॉट था, तो मैंने उसको निकाल के अलग रख दिया है। और अब जो मिर्ची है उसको मैं बीच से कट के इसे जो है बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। तो ये रेसिपी है ना बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है, और भरवा मिर्च से कई गुना ज़्यादा ये टेस्टी भी लगती है। आप लोग इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग अगर इस मिर्ची के बीजे को रखना चाहते हो तो आप इसमें रख सकते हो, बट मैं इसे निकाल के अलग कर दे रही हूँ। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो है सारी ही मिर्चों को आपको अच्छे से महीन महीन चॉप कर लेना है, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सारी मिर्च को मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर, यहाँ पे मैं जो है भरवा लाल मिर्च के मसालों को ही यूज कर रही हूँ। तो भरवा मिर्च बनाने के लिए 1 kg के लिए जो क्वांटिटी और मैंने मसालों के नाम जो है यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, इन सारे मसालों को मुझे धीमी आंच पे जो सेंक लेना है, और सेंकने के बाद ठंडा होने के बाद इसे मिक्सी में दरदरा पीस लेना है। तो यहाँ पे हमारा मसाला पिसकर तैयार हो गया था। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि इस अचार को बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है, और ना ही इसमें ज़्यादा मसाला यूज होता है और ना ही ज़्यादा तेल। तो ये देख लीजिए मैंने यहाँ पे जो है मसाले डाल दिए थे, इसके बाद मैंने यहाँ पर खट्टा होने के लिए यहाँ पर अमचूर पाउडर यूज़ किया है, और इसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया है, ताकि नमक जो होता है वो अचार को गलाने का काम करता है। तो इन सारी चीज़ों को डालकर मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया था, और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ सरसों का तेल। तो मैं अभी इसमें सरसों का तेल डालकर भी इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी, ताकि ये जो मसाला है ना वो इस पर अच्छी तरीके से कवर हो जाए। तो ये अचार जो है काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है, और मेरे पास जो बचा हुआ मसाला है ना, तो जो मैंने पीस के तैयार किया था, उसका जो है मैं समूची लाल मिर्च भर कर रख दूँगी, क्योंकि मुझे मेरे यहाँ वो थोड़ी कम खाई जाती है, और ये जो लाल मिर्च का जो कुच्चा अचार जो मैं बना रही हूँ ये ज़्यादा खाया जाता है। और इस अचार को रखने के लिए मैंने यहाँ पे कांच का जार लिया हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पे प्लास्टिक का भी यूज कर सकते हो, और इस अचार को आप 6 महीना साल भर भी स्टोर करके रख सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, पर ये इतना ज़्यादा टेस्टी ही लगता है कि फटाफट ये ख़त्म ही हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सारे अचार को इस जार में अच्छे तरीके से भर कर रख दूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस वाले अचार को एक बार ट्राई ज़रूर करें। मेरे यहाँ तो इसको लाल मिर्च का कुच्चा अचार बोला जाता है, आप इसे और क्या नाम देना चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इस अचार को रखने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप एक बार कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैंने इस जार में सारे ही अचार को भर के रख दिया है, अब मैं इसको जो है धूप में रख दूँगी, और एक दिन मैं इसमें पूरा धूप लगाऊँगी, और दूसरे दिन इसमें जो है मुझे तेल को गर्म कर देना है, और गर्म करने के बाद जब वो ठंडा हो जाएगा पूरी तरीके से, इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी, और तेल भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं डाला जाएगा। आप देख सकते हैं कि अचार देखने में कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, जितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है खाने में ही उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।